खबर झारखंड से है, जहां साहिबगंज जिले में इन दिनों मानव तस्करी का मामला सुर्खियों में छाया हुआ है। आपको बता दें कि बीते दिनों मंगलवार को तीन पहाड़ थाना प्रभारी परशुराम पासवान ने गुप्त सूचना के आधार पर मास्टरमाइंड तस्कर मोहम्मद सद्दाम अंसारी के घर छापेमारी कर दो युवती सहित एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मौका देखते ही मास्टरमाइंड तस्कर मोहम्मद सद्दाम अंसारी पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा। वहीं फिलहाल पुलिस मास्टरमाइंड तस्कर सद्दाम अंसारी की पत्नी बिलना इब्राहिम को हिरासत में लेकर मामले की छानबीन कर रही है। इस मामले को लेकर पुलिस का दावा है कि मास्टरमाइंड तस्कर मोहम्मद सद्दाम अंसारी अब पुलिस की गिरफ्त से दूर नहीं। अच्छा, तो अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको? अभी प्रॉब्लम यही है, जब हम मना करते हैं गलत धंधा करने के लिए, हाँ, तो हमको मारता है पीटता है बहुत दिन से, तीन साल हो गया इसका धंधा। रात को जब हमने सुने इसको खतक है, वो इसके साथ अवैध संबंध बना करके रखती है खासी पहाड़ी, वो बोली कि आप इसको ख़त्म कर दो तब आपका साथ हम दे सकते हैं। ऐसे वही लड़की को दिल्ली लेकर के जाना, वही उसी में। अच्छा, तो आज क्या घटना घटी? आज घटना यही हुई है, जब हमने मना कर दिया, नहीं सुन रहा था कि बार बार यही काम क्यों करता है, तब हम पुलिस को जब फोन किए तो हमको जान से मरने का धमकी दिया। अच्छा, छापता जा करके मोबाइल लड़की हमसे थाने पर बैठ के अपना सुविधा में काम कर रहे थे कि करीब 3 बजे के आसपास में गुप्त सूचना मिला कि सद्दाम अंसारी तीन पहाड़ का जो है वो दो लड़की और एक लड़का को, कुछ लड़के लड़कियों को बाहर लालच देकर दिल्ली काम कराने के नाम पर ले जाने वाला, और अपने घर में उन लोगों को रखा है। गुप्त सूचना के आधार पर हमने सूचना के सत्यापन हेतु एक टीम का गठन किए, जिसमें मैं स्वयं था और PSI हमारे थे प्रवेश कुमार राम जी, ASI बीरबल यादव जी थे, इसके अलावा हौलदार सतीश कुमार थे, आरक्षी सुमन जी थे, प्रदीप कुमार सुमन, और हम लोगों ने एक टीम बना करके बताया स्थान पर जाके छापामारी किया सद्दाम हुसैन के घर पर। सद्दाम हुसैन तो घर पर नहीं था, नहीं मिला, लेकिन वहाँ से दो लड़की और एक लड़का बरामद हुआ।